हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम हैं अपने दोस्त के घर पे और आप लोग सीन देख सकते हैं पीछे का, एकदम मस्त हुआ है। और अभी धूप था, अब छाँव हो गया है, फिर धूप हो गया, फिर छाँव हो गया एक बार और। कोई बात नहीं, अभी छाँव ही ठीक लग रहा है। और सीन आप लोग देख सकते हैं एकदम मस्त हुआ है, बादल ही बादल। ऐसा सीन देखने के लिए मतलब हमेशा गाँव में ही मिलता है, और कहीं शहर में तो उतना ज़्यादा दिखता नहीं है। और वहाँ पर थोड़ा बेचू में जाते थे तब थोड़ा दिखता था, लेकिन यहाँ पे तो हर ही जगह एकदम मस्त सीन देख सकते हैं आप लोग। एकदम ओहो, मतलब A1 क्वालिटी का है वीडियो। दोस्तों ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये चिड़िया का 3 ठंडा है। अभी छोटे छोटे बच्चे भी थे लेकिन वो उड़ चुके हैं, थोड़े बड़े हो गए थे वो सब, तो लोग चले गए हैं चिड़िया की तरफ। और ये देखिए 3 ठंडा है, इसमें से जब बच्चे निकल जाएंगे तब आप लोग को दिखाएंगे। बने रहिए ब्लॉग पर, चलते हैं अब दोस्त के पास। आइए चलते हैं दोस्त के पास। ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर था, इसी झाड़ी के पीछे है, इधर से नहीं दिखेगा, उधर देखिए है। तो अब दोस्तों चलते हैं अपने दोस्त के पास। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं स्कूल में और लड़के को जल्दी बाजी हो रहा है। ये देखिए उसका ट्रेन छूटने वाला है, मतलब छूट जाएगा अगर जल्दी नहीं करेगा तो। इसको जल्दी जल्दी जा रहा है, मोबाइल चार्ज में लगाया था। तो अब चलते हैं हम लोग घर पर। लड़का तैयार हो चुका है, बैग पैग तैयार हो चुका है, इसका झोला वोला उठा के लेके जा रहा है। तो दोस्तों अभी हो चुका है शाम और अभी हम आ चुके हैं एक बहुत बड़े तावा के पास जो कि घर के ही पास है, और अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं उसको। तो दोस्तों इस पे कम से कम 20-30 रोटियां एक साथ मतलब सेकी जा सकती है, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए ये इसका हैंडल है पकड़ने वाला, ये देखिए वहाँ पे इस तरह 4 ठो है। और ये देखिए मतलब ये थोड़ा बहुत जंग भी लग चुका है, थोड़ा बहुत क्या, ठीक ही ठाक लग चुका है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मतलब हम जब बहुत ही छोटे थे तब से ये है, तो ये पूरा मतलब इसका रस्टिंग हो चुका है। तो ये देखिए पूरा ये लोहा निकल चुका है, ये पूरा रस्ट हो रहा है, तो जंग लग चुका है इसमें, आधा से ज़्यादा तो निकल ही चुका है ये। तो थोड़ा बहुत जो भी बचा है, तो इसमें बनता क्या है दोस्तों, इसमें रोटी नहीं सेकी जाती है, इसमें बनता है गुड़, जो आप देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए ऊख है, तो उसी ऊख का भी तो छोटा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो इसी में आप लोग को ब्लॉग में भी दिखाए होंगे वहाँ पे मतलब ऊख को ले आके। और वो देखिए वो मशीन है, उसमें पेरा जाता है और फिर उसमें पेर के और फिर इसमें डाल के गुड़ या भेली बनाया जाता है। ये देखिए ये उसका चूल्हा है, ये देखिए इतना बड़ा है, ये देखिए वहाँ से धुआं निकलता है। और ये देखिए यहाँ से ये जब जलता है, यहाँ पे देखिए जलने के लिए लगाया गया है, तो यहाँ पे जब जलता है यहाँ पे कुछ भी डाल दिया जाता है, पत्ती डाल दिया जाता है, इस तरह का घास उस जो भी रहता है जलने लायक, या लकड़ी डाल दिया जाता है तो जलता है। और जो इसका धुआँ रहता है यहाँ से इधर से निकल जाता है ऊपर। तो दोस्तों इतना बड़ा ये मान के चलिए कि गैस है इतना बड़ा सिर्फ इसके लिए, तो इसमें गुड़ पकाया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है, इसको कम से कम 2 लोग रखते हैं उठाने के लिए और फिर लगाने के लिए। फिर भी मतलब ये जंग लग चुका है लेकिन ठीक ठाक भारी है ये। तो ये था, और दोस्तों अभी हम लोग का जो बीज को लगाया गया था उखाड़ के, तो वो भी ठीक ठाक बड़ा हो चुका है और ठीक ठाक हरा भी हो चुका है। तो आप लोग को दिखाते हैं, देखिए ये देखिए, ये देखिए पूरा उतना बीज, ये देखिए पूरा हरा हो चुका है, ये पीला नहीं पड़ा है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि कभी कभी धूप से ये पीले पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान ने ध्यान दिया है यहाँ पे, तो ठीक ठाक हरा दिख रहे हैं सब। इतनी धूप पड़ने के बावजूद ये मतलब हरे हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पे बोया गया था बीज को, यहीं पे उखड़ा था, यहाँ से उखाड़ के देखिए यहाँ पे रोपा गया है इसको, जिसको हम लोग गांव पे रोपनी बोलते हैं। तो ये देखिए बगीचे में एंट्री कर चुके हैं, देखिए सीन मस्त रहता है यहाँ का हमेशा। तो ये देखिए दोस्तों भैंस भी आ चुकी हैं, ये देखिए हाथी यहाँ पे चर रही है और वो सभी चर रही है अपना मगन है। और देखिए परी उधर गई है, ये देखिए वो दोस्त का ऊख है उसके पास जाके चर रही है, तो उसको भगा के लाना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो मार खाएगी। सीन देखिए पीछे का एकदम मस्त हो रहा है अभी भी। ये देखिए हाथी को, हाथी बोलेगी नहीं इस समय, इस समय मगन है खाने में। ओए बोल दे जी, ओए 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 ओए, जाने दीजिए इसको, परेशान नहीं करते हैं।
ये बाबू है, खाओ खाओ खाओ, इसको खाने देते हैं। वो देखिए वो सभी मगन है। यहाँ पे हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे बजड़ा है, तो बजड़े में जाने नहीं देना है इन सबको, इसलिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दूरी बना के रखे हुए हैं, इन सबों को जाने नहीं देंगे। अभी देखिए उसको बुला के लाते हैं, ऊख में चली गई है, उसको लाते हैं गधाई को। ये देखिए दोस्तों इन सबों की दोस्त आ गई जो कि एक चिड़िया है, और ये बहुत प्यारी चिड़िया है। इसको हम बहुत देर से देख रहे हैं कि ये आ रही है, इन सबों के ऊपर बैठ रही है। देखिए परी के ऊपर गई, ये देखिए इसके ऊपर जाएगी अभी, अभी उसके ऊपर बैठेगी थोड़ी देर तक, फिर जाएगी, फिर इन सबों के पास भी बैठेगी। इस तरह आती है, इन सबों के पास बैठती है। देखिए वो है एक ठो, बहुत मस्त चिड़िया है, मज़ा आ जा रहा है उसको देख के। दोस्तों अभी हम घर से फिर आ चुके हैं बाजार में, तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि रात हो चुका है। अभी ये देखिए मंदिर की लाइट से हम लोग बना रहे हैं व्लॉग को, एंड कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, आवाज़ आता है। चलिए बाय बाय, राधे राधे।